पूरी दुनिया को कोरोना अपने गिरफ्त में ले लिया है। कोरोना से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है एवं लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुका है। कोरोना से बचाव हेतु पूरे देश युद्ध स्तर से हर तरह की तैयारी में लगे हुए हैं। परंतु कोरोना से बचाव के एकमात्र विकल्प है कि लोग इसके प्रति सतर्क रहें, लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी कोरोना जैसे महामारी से देश उबर पाएंगे। ऐसे स्थिति में प्रशासनिक स्तर से कोरोना के रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। रविवार को दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के जांच हेतु सीमावर्ती बांका जिले की सीमा पर संग्रामपुर बस स्टैंड के पास बनाए गए चेक पोस्ट पर संग्रामपुर थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार के नेतृत्व में दो पहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत हेलमेट, जूता, वाहन के जरूरी कागजात आदि की जाँच की गयी। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग के मुख्य उद्देश्य है कि अनावश्यक रूप से लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही को कम करने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग बिना जरूरत के जो इधर से उधर चक्कर लगाते हैं वो कम होगी। इस मौके पर SI नियाज अहमद, BMP जमालपुर के हवलदार सिंटू कुमार राय, सिपाही प्रवीण कुमार, सिकंदर कुमार, हरिदेव कुमार आदि उपस्थित थे। इस चेकिंग अभियान से मोटरसाइकिल चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। मुंगेर जिला के संग्रामपुर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। विश्व में फैली महामारी कोरोना वायरस को लेकर के आज हर कोई इससे जूझ रहा है। इसको लेकर के कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं कई संस्थान के लोग कोई राशन, कोई पानी, कोई कुछ इत्यादि लेकर के हर कोई एक दूसरे का मदद करने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा ही कुछ नजारा संग्रामपुर प्रखंड के ददरी जाला पंचायत में देखा गया। इसमें श्री साई सेवा दल के सदस्यों के द्वारा कई गाँव में सरकटिया, मकनपुर, झिट्टी इत्यादि गाँव में दिया का वितरण किया गया। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 5 तारीख को 9:09 तक हर लोग को एक एक दीपक जलाना है। इसको लेकर के दीपक का वितरण किया गया। इस मौके पर संतोष कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह इत्यादि दर्जनों साई सेवा दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। मुंगेर जिला के संग्रामपुर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। Press the bell icon on the YouTube and never miss another update.